हेलो गेमर्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एंड्रॉयड गेमर मैडी। और जी हाँ, हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के चौथे एपिसोड में। जी हाँ बिल्कुल, पिछले एपिसोड में हमने एक सक्सेसफुल माइनिंग की थी जहाँ से हमें डायमंड मिला था, और फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत सारी चेंजेस की। मैं जब भी ऑफलाइन गया तो फिर से मैं माइनिंग पे चला गया था और मुझे और कुछ डायमंड्स मिले, तो मैंने डायमंड का पिकैक्स बना लिया और एक डायमंड का अपना पहला सॉर्ड बना लिया, और फिर एनचैंटमेंट टेबल भी मैंने बना लिया। वो तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे इस ग्लोइंग आर्मर और मेरे इस तलवार से। ये एक आयरन तलवार है लेकिन मैंने इसे एनचैंट किया है। इस पर मुझे मिला है फायर एस्पेक्ट का और फायर प्रोटेक्शन का ये पूरा आर्मर है। तो फिर जो है बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है पिछले टाइम एन्चेंटमेंट टेबल, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग किया है, देखिए ये टाइल्स को, और फिर ये बाजू में जो आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके बाजू में, मैं कोशिश कर रहा था एक ऑटोमेटिक एक्सपी फार्म बनाने का वीट का, लेकिन पता नहीं मतलब कुछ तो हो गया प्रॉब्लम उसमें। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा वो क्या हुआ है, और फिर उसके बाद में फिर क्या है। अभी आज के एपिसोड में हम फिर से थोड़ा माइनिंग करने जाएंगे होपफुली। और पिछले बार जैसे मैंने कहा था कि मैं ऑफलाइन जब भी माइनिंग करने गया था तो मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज़ मिली थी, मतलब वही मैं आपको आज दिखाऊँ। लेकिन एडवेंचर के जाने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, मतलब ये जो मैंने कोशिश की थी ऑटोमेटिक फार्म बनाने की, वीट फार्म, तो इसमें मतलब क्या किया था मैंने, एक मतलब ये बना लिया था। यहाँ पे मैंने हॉपर चेस्ट वगैरह सब लगा लिया है। अभी देखिए 8x8 का जो है ये प्लेटफॉर्म है, पहला वाला तो 8x8 का है, फिर 7x8 का है, और फिर मैंने यहाँ पे जो डिस्पेंसर लगाए, मुझे लग रहा है कि ये शायद डिस्पेंसर मेरे कम गिर गए। मैंने 3 डिस्पेंसर लगाया हुआ है क्योंकि ये पानी वापस जा नहीं रहा है ऊपर, तो यहाँ पे 3 डिस्पेंसर है, यहाँ पे 3 डिस्पेंसर है, और एक डिस्पेंसर की ज़रूरत है। लेकिन मुझे जो है मतलब मेरे पास ये नहीं है क्या कहते हैं डिस्पेंसर बनाने के लिए बॉ नहीं है, तो फिर इसलिए मैं रुका हूँ। तो फिर हम जो क्या करने वाले आज के एपिसोड में माइनिंग करने जाएंगे, और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे जो है लास्ट टाइम उस माइनिंग में मिली थी, तो हम वही जो है देखने जाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएंगे माइनिंग में। और ये हमारा डॉगी है, पिछले टाइम जो है एक व्यूअर ने जिसका नाम है विष्णु, अभिनव विष्णु, उसने नेम सजेशन दिया था मैक्स, तो मैं इसका नाम मैक्स रखने वाला हूँ। और ये देखिए टड़ा मेरा एन्चेंटमेंट टेबल। जी हाँ, मैंने बुकशेल्स वगैरह बना के रखी है, और इस एन्चेंटमेंट टेबल की वजह से जो है अपन ने अपनी आर्मर विर्मर सब एन्चेंट कर लिया है। और यहाँ पे है मेरा खजाना, देखिए ये डायमंड सोर्ड है, इसमें जो है बेन ऑफ आर्थोपॉड्स 1, मतलब ये किस काम का है मुझे पता नहीं है, थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा किस काम का है। और अनब्रेकिंग 2 का पिकैक्स लगा, ये मतलब गलती से मुझे एक्चुअली फॉर्चून 2 चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अनबॉक्सिंग की, और ये एंडरमैन, मतलब एंडरमैन को मेरी ये जो जगह है इतनी पसंद आ गई है कि क्या ही बताए। तो फिर हम जो है शुरू करेंगे माइनिंग, और हम अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं वो सब, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो सब यहाँ पे ही रख देते हैं। अभी फ़िलहाल जो है अपने पास लेदर है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ बुक और बना लूँ, और एक बुक चाहिए मुझे, तो फिर एक बुक शेल्फ मेरा बन जाएगा। बुक किधर है, ओके बुक 2, ओके तो बुक शेल्फ भी बननी चाहिए, ओके 2 बुक ऊपर है कि, तो 4 बुक हो गई टोटल अपने पास, तो एक तो बन ही जाएगा अपना बुक शेल्फ। ओके बुक शेल्फ बन गया है, मतलब ये एकदम मस्त चीज़ है, मतलब अपना जो है एन्चेंटमेंट लेवल जो है बहुत ऊपर जाता है जितने ज़्यादा बुक स्टॉल है। और अभी मैं जो क्या करने वाला, अपने बाजू में जो विलेज है, मतलब वो तो आपको पता है कि पूरा मतलब वीरान हो गया है, वाकई विलेजेस पता नहीं शायद ज़ॉम्बी लोग ने मार दिए क्या क्या है, तो अगले एपिसोड में जो है मुझे विलेजेस लेके आना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें, खाना तो है मेरे पास अच्छी तरीके से, पिकैक्स अनब्रेकिंग है, और एक्स्ट्रा पिकैक्स नहीं है लगता मेरे पे, तो क्या करते हैं एक पिकैक्स बना लेते हैं मेरे हिसाब से। और डायमंड का मैं नहीं लेके जाना चाहता डायमंड का अभी, क्योंकि अभी तक जो है हम माइनिंग में इतना मतलब एकदम एक्सपर्ट नहीं हुए। ये एंडरमैन मतलब इतना यहाँ पे क्यों घूम रहा है मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है कि मतलब इससे कुछ छेड़खानी करनी है या फिर ये सेफ़ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। तो अभी फ़िलहाल जो है हम एक आयरन का पिकैक्स भी बना लेते हैं सेफ़र साइड, क्योंकि हम जब भी माइनिंग में जाते तो हमारे पास सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक ही चाहिए मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल अनब्रेकिंग 2 का है ऑलरेडी, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये आयन यहाँ पे रख देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ओके शुगर मिली हुई है मुझे, और ये मशरूम भी है शायद किसी भी खा जाए,
क्राफ्टिंग टेबल तो है नीचे अपने पास, लेकिन फिर भी एक लेके जाते पता नहीं, और बेड भी है अपने पास। तो ठीक है चलिए, तो फिर हम निकल जाते हैं माइनिंग के लिए। ओके, ये एंडरमैन तो मतलब इतना। और यहाँ पे देखिए मैंने ये क्या बोलते हैं इसे, कैट्रियो कैप टेबल है कुछ, मतलब जिससे मैप शैप बनता है, तो वो वाला यहाँ पे लगा दिया है मैंने। वो विलेजर मतलब गलती से मेरे हाथ से बन गया था, मुझे बनाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी इसे, लेकिन पता नहीं अभी बन गया है तो फिर मैंने अभी लगा दिया है। जब भी कोई विलेजर आएगा फिर मेरे पास, तो हम उसे जो है यहाँ पे ये वाला दे देंगे उसको। और ये ब्रूविंग स्टैंड है, और यहाँ पे वो पानी का कुछ डिस्पेंसर है, मैं भी बाजू वाले विलेजर से लेके आया था। तो अभी फ़िलहाल बकेट लेके जाते हैं अपन माइनिंग में, क्योंकि बकेट तो लगना ही लगना है। और ओके, तो दिन तो है, तो चलते हैं माइनिंग के लिए। यहाँ पे भाई साहब ये जो वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में मैं स्पॉन हो गया, इतने जॉम्बीज है, मतलब क्रीपर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम नाक में परेशान करके रख दिया है मैं। तो क्रीपर्स का तो कुछ करना पड़ेगा, वो तो हर एक को परेशान करते ही करते हैं। तो जल्दी से हम जो है माइनिंग करते हैं। होगा तो ये अपनी पुरानी केव है, अभी तक जो है मैंने अपने घर के नीचे जो मैंने जगह बना के रखी है माइनिंग के लिए, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो मैं अगले एपिसोड में करूँगा। जब तक मैं ये माइन पूरी एक्सप्लोर ना कर लूँ तब तक तो मैं वहाँ पे कुछ करने की मेरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, भाई साहब भूख लगी हुई है, लेकिन पहले माइन में चलते। और मतलब एकदम मुझे तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिली, मतलब लापिस वो सब क्या बोलते हैं उसे, मैं तो लापिस लुपस ही बोलता हूँ, पता नहीं अच्छा लगता है ये बोलने के लिए, वो भी मिला था। और फिर और जैसे मैं माइनिंग करते गया था अंदर, तो मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ दिखी, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब आपके लिए तो इतनी कमाल की नहीं होगी लेकिन मेरे लिए तो बहुत कमाल की। ओह तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास ऑब्सीडियन है, यहाँ पे लावा था मैंने, वो पानी डाल के, अच्छा यार अपने पास बकेट है तो एक बकेट पानी का ले लेते हैं, शायद मिल जाएगा आगे जाके। और ये मुझे लगता है कि एक ही बकेट है। टॉर्चेस मेरे पास नहीं है यार, टॉर्चेस बनाने पड़ेंगे। कोल है क्या मेरे पे? हाँ कोल है, और टॉर्चेस बना लेते हैं क्योंकि आगे जाके तो बहुत परेशानी होने वाली है, टॉर्चेस नहीं तो एकदम ख़तरनाक होगा चीज़ें। स्टिक्स बना लेते हैं जल्दी से, टॉर्चेस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टॉर्चेस ओके बहुत ज़्यादा हो गए, 45 टॉर्चेस। चलते हैं यहाँ पे भी, मतलब इतने केव के नीचे, सबसे पहले तो खाना खा लेता हूँ मैं, खाना मतलब बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं तो फिर एकदम मैं भूल ही जाता हूँ खाने के बारे में। ओके तो खाना भी फुल है, ये देखिए फायर एस्पेक्ट 1। और यहाँ पे देखिए इतना सारा लावा पड़ा हुआ है, मतलब एकदम खतरनाक जगह मिली है, सही जा रहा हूँ। मैं भूल गया कहाँ पे जाना है मुझे। नहीं यहाँ पे नहीं था, ओके यहाँ पे। ओके तो यहाँ से अपन ऐसे निकल गए थे, और फिर यहाँ से वापस ऐसे, मतलब इतनी माइनिंग कर करके आया था, मुझे यहाँ पे वापस डायमंड्स भी मिले थे। और फिर जो है ओके कहाँ पे ये जगह, अभी फ़िलहाल जो 12 कोऑर्डिनेट पे हो, तो देखिए यहाँ पे मैं आ गया था, पूरा मतलब एकदम लावा ही लावा है। और फिर मैंने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें बिछा दी, मतलब ये लावा से बचने के लिए। और फिर जो है यहाँ पे और रेडस्टोन है, रेडस्टोन मैंने काफ़ी कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन ये जो चीज़ है भाई साहब, मतलब मेरे साथ तो पहली बार ही हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। अरे यार कोबलस्टोन लगा देते हैं, किधर गई, पहले तलवार निकाले। ये देखिए भाई साहब माइनिंग करते करते मैं यहाँ पे आ गया, तो जो मुझे यहाँ पे जो है एक माइन शाफ्ट मिल गई, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। पानी पानी ऐसे नहीं आता है लगता। तो हम ये एपिसोड में जो है इस माइन शाफ्ट को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, और यहाँ से नहीं, मैं मतलब यहाँ से गया था, मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी मतलब मुझे माइंड शाफ्ट मिल जाएगा। ये देखिए
माइनशाफ्ट की माइनशाफ्ट है। ओके तो टॉर्चेस हाथ में ले लेते, टॉर्चेस पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। और मुझे जैसे कि मतलब स्पाइडर ये स्ट्रिंग्स भी ओके इसकी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आ गया है पहला रेल, रेलवे ट्रैक मिला है अपने को। स्केलेटन की आवाज़ आ रही है तो रेलवे ट्रैक उठा लेते हैं, इसकी तो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे जैसे कि मतलब जितने भी मैंने वीडियो देखे हैं मुझे इतना तो पता है कि अभी माइनशाफ्ट है तो फिर यहाँ पे स्पॉनर तो होना ही होना है ज़रूर। तो अपने टॉर्चेस जो है भर भर के लगा देंगे यहाँ पे। ओके तो अगर ये सारी चीज़ें मतलब इससे जो है अपने को कोल के ऊपर ही लगा दिए, जलेगा तो नहीं ना। और यहाँ पे अपने को मिल गया है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे नीचे क्या है, ओके पानी है यहाँ पे। गोल्ड को रख देते अभी थोड़े देर के लिए बाजू में, तो गोल्ड तो क्या मिलेगा मिलेगा। ये सामने क्या है, वो सामने मुझे लगता है एक स्पॉनर है। ओके भाई साहब चेस्ट मिल गई है एक, यहाँ पे तो मैं ही लगाई है टॉर्च। ओके तो चेस्ट मिला है पहले अपना, खतरनाक। मतलब मैं तो इतना एक्साइटेड होगी माइनक्राफ्ट में जो है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इतना मतलब मैंने माइनिंग वगैरह की है। और माइनिंग करते ही मतलब डायमंड मिल जाना, मतलब मैं गलत कर रहा हूँ लगता है। मुझे एक्स यूज़ करनी है। ओके तो अगर हमें इस, मुझे इतना तो पता है कि मतलब सीक्रेट जो ट्रेजर वगैरह रहते वहाँ से हमें मिलता है ये क्या बोलते हैं इसे, ओह ये क्या हो गया, नेम टैग मिल गया लगता है भाई साहब। और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें कि मतलब क्या ही बताएं अभी क्या करूं मैं। तो अपना जो है पहला माइनशाफ्ट उसका खजाना हमें मिल चुका है, टॉर्च लगा देते हैं। ओ भाई साहब मतलब ये तो एकदम खतरनाक जा रही है केव नीचे, मुझे रास्ता भी याद रखना होगा नहीं तो फिर मैं भूलते जाऊंगा और हालत ख़राब हो जाएगी। और एक है भाई उधर, ओके भाई साहब ये जगह तो एकदम मस्त जगह मिली है। तो इतने सारे रेल की पटरियां है यहाँ पे, सबसे पहले तो अपने को ये करके टॉर्चेस लगानी है भाई। और अरे अरे स्पाइडर आ गया, आजा अपने पास फायर एस्पेक्ट है, फायर एस्पेक्ट तो एकदम खतरनाक है, मतलब अलग ही हवा है उसकी। टॉर्च लगाना यार, काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। लंबा नहीं जाएगा टॉर्च, ओके चला गया। यहाँ पे भी लगा देते टॉर्च, मतलब दिख तो जाएगा अपने को क्या है क्या नहीं है। और अपने को मतलब वो डिस्पेंसर बनाने के लिए मतलब अपने को ये चाहिए था भाई साहब। और एक स्पाइडर आ गया, हाँ वे मार दिया भाई। अरे 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 बेकार। अरे 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 और कोई मार रहा है,
क्राउच दबा दिया भाई, ये तो बहुत ही एकदम खतरनाक स्पाइडर था। आ गया और एक स्पाइडर, आजा आजा आजा, मर गया। ओके, लापिस लुपुजी अपने को बहुत सारा मिल गया है, और ये भी मिल गया, ये भी मिल गया है भाई साहब, गोल्डन एप्पल मिल गया अपने को। ये पता नहीं क्या हो रहा है, साथ 40 कोल मिल गए, टॉर्चेस ले लेते, टॉर्चेस की तो एकदम बहुत ही एकदम खतरनाक ही। कौन सा है, सीड्स, मेलन सीड्स मिला है अपने को, तो मेलन सीड्स के बदले में ये रख देते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि मतलब अपने को एकदम ये माइनशाफ्ट, अपने पास अभी जगह बची नहीं है क्योंकि पूरा फुल हो गया है, और ये माइनशाफ्ट भी बहुत ही बड़ी माइनशाफ्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अभी जाएंगे फ़िलहाल घर, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, और मैं मतलब रास्ता भी मैं भूल सकता हूँ, मुझे लगता है मैं ऑलरेडी रास्ता भूल गया हूँ। ओके, तो हम जो है इस माइनशाफ्ट से बाहर आ गए, तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, हम वापस चले जाएंगे अपने घर पे। नहीं, मैं कहाँ से आया था, घर जाएंगे और फिर हम क्या, ओ देखो क्रीपर भाई साहब, मुझे अगली बार से एक बो भी लेके आनी पड़ेगी क्योंकि इतने दूर से, अरे यार यहाँ पे नहीं जाना है मुझे, मैं रास्ता भूल गया। ओ क्रीपर भाई, मुझे यहाँ से जाना है ऐसे नीचे, क्रीपर को मार के जाते हैं अपन, तो क्या होगा, मुझे लगता है हमें घर पे जाके ही आना चाहिए। अरे भाई साहब, अच्छा एंडरमैन ही है, कुछ टेंशन नहीं है उसको भाई, मुँह छिपा के चल जाते हैं। तो मतलब अपन ने जो है थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से माइनिंग कर ली, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। माइनशाफ्ट मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत लंबी माइनशाफ्ट है एक्चुअली। ओके, तो हम अपने केव से बाहर तो आ चुके हैं, और फिर अभी तक दिन ही हो रखा है, तो फिर मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। मैं जो इतना सारा सामान है मेरे पास, मतलब खोना नहीं चाहता उन सारे सामान को, तो अभी फ़िलहाल अपन जाएंगे घर पे, और फिर क्या करने वाले हैं हम जो है, अपनी जो ऑटोमेटिक AKF फॉर्म थी, वीट फार्म, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर ठीक हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब एकदम काम ही बन जाएगा भाई साहब। और यहाँ से मेरे को सच में कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि हमेशा मुझे कूद के आना पड़ रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने घर के अंदर और अपनी सारी चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर देंगे। यहाँ पे तो एकदम भर भर के रखा हुआ है। तो हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ओके, तो ये जल्दी जो है हम यहाँ से जो है शुरू करेंगे माइनिंग। तो हमारे पास 14 क्या है, लापिस लुजुली, क्या पता सही प्रोनाउंस कर रहा है क्या नहीं। और अपने को क्या मिला है, रेल्स बहुत सारे मिले हैं, और नेम टैग जी है बिल्कुल। अभी हम अपने डॉगी को जो है नामकरण उसका करने वाले हैं डॉगी का। तो फिर गोल्डन एप्पल हमें मिला है, गोल्डन एप्पल मैंने सुना है कि जो जॉम्बीज होते हैं उन्हें ठीक करने में बहुत उनका यूज़ होता है, जो अफेक्टेड जॉम्बीज होते हैं उनसे। और हमें और क्या क्या चीज़ मिली है, बस मुझे लगता है इतनी मिली, बाकी का तो वहाँ पर रखा हुआ था। तो जल्दी से जो है हम अपना नेम किधर है, ओके नेम टैग, तो जैसे उस मैक्स नाम रखेंगे, जैसे अभिनव विष्णु ने कहा था हमारे डॉगी का नाम मैक्स होगा। ओके भैया, तो जल अभी जो है नामकरण की विधि शुरू कर देंगे हम। ओके
नहीं, इसे अभी नाम कैसे देते हैं? ओके, मुझे लगता है मुझे वो नेम टैग हाथ में लेना पड़ेगा। मैक्स, ओके ओके भाई हो गया। तो अपना पेड जो है उसका नाम हो गया है मैक्स, अपने मैक्स नाम दे दिया है। सर भाई बन गया है 2 डिस्पेंसर। ओके, तो हम जाएंगे अभी जल्दी से ऊपर। अगर वो सक्सेसफुल हो गया फार्म, ओके तो यहाँ पर रात होने आई है। अपन ने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे वो एक बार देख लेते हैं। फ्लिंट एंड स्टील भी है अपने पास। तो हम जो है अभी हम बनाएंगे पोर्टल, बिल्कुल नदर पोर्टल हम बनाएंगे, क्योंकि अगर माइनक्राफ्ट में आया और नदर पोर्टल नहीं बनाया तो क्या ही किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपना ये जो फार्म है उसे ज़रा ठीक करने की कोशिश करेंगे। रेडस्टोन रिपीटर है यहाँ पे, रेडस्टोन भी रखा हुआ है। तो मैंने एक्चुअली वो रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन ऑफलाइन किया था, तो मैंने मेरे पास उसका डेटा है। अगर आप वो देखना चाहते हो रिकॉर्डिंग तो वो भी मैं डाल दूँगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रीपर बहुत घूमते रहते हैं। क्रीपर कोई आया है क्या? नहीं, तब क्रीपर लोग तो मतलब ऐसे एकदम ख़तरनाक लेवल पर घूमते रहते हैं, क्या ही बोले। ओहो अटक गया क्या मैं? तो मुझे कि अपने पास बकेट भी है, एक बकेट खाली था, उससे क्या करते हैं पानी भर लेते हैं। ओके, तो अभी यार मुझे ये पानी पूरा निकाल देना है, तो क्या करना पड़ेगा? ओए डिस्पेंसर लग गया है। ओके, तो ये वाला डिस्पेंसर लग गया। अरे 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 अरे, ओके ये वाला भी लग गया। यहाँ पे भी मैंने पानी लगा दिया। होपफुली अभी ये काम करना चाहिए क्योंकि 4 डिस्पेंसर लगाए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो क्या करते हैं, डिस्पेंसर में एक एक बकेट लगा देते हैं अपन। अगर ये काम नहीं किया तो मुझे ये फिर से जो है कुछ करके ठीक करना पड़ेगा। ये लास्ट ट्राई होगा। ओके, ये तो बराबर से किया है ना मैंने। रेडस्टोन मैं काम करता हूँ, यहाँ पर भी डाल ही देते हैं रेडस्टोन। ओके, रेडस्टोन डाल दिया बराबर से। चलो जा, पानी गया है। और अभी भाई साहब काम कर गया। ओ एक नंबर, मतलब एकदम ज़बरदस्त। ओके, तो मेरा ऑटोमेटिक FK फार्म हो गया है तैयार। तो अपने को जो है अभी ये वीट की जो है बिल्कुल मतलब कमी नहीं पड़ने वाली है। तो ये बटन को जल्दी से तोड़ लेते हैं। मेरे पास पिकैक्स है अपनी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको रेडस्टोन को यहाँ से लेके रख गया क्या? ओके, तो यहाँ पे अपन बटन लगा देंगे। बटन किधर गया भाई? बटन गिर गया लगता है। हाँ यहाँ पे, तो बटन में यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो 1 2 3 4
5, 6, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे अपने को लगाना है एक रिपीटर। नहीं यार ये रिपीटर है, नहीं ये बराबर है। ओके तो अपना हो गया है काम एकदम खतरनाक एकदम। ओके तो अपना खेत हो गया है रेडी। तो अभी क्या होने वाला है कि जैसे मतलब ये बढ़ जाएगा, मैं क्या करूँगा फिर वो बटन जो है दबा दूँगा। वो बटन दबाने से क्या होगा, ये पानी निकल आएगा और सारी जो चीज़ें मतलब जो भी ये खेत वीत होगी वो सब बह के यहाँ पे आ जाएगी और मैं जो है उसे यहाँ पे इस चेस्ट से कलेक्ट कर लूँगा। उससे जो मैंने क्या किया, ये हॉपर ज्वाइन करके रखा है तो ये हॉपर से कलेक्ट हो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला ट्रिक यही है। तो हमारा जो है फार्म बन चुका है ऑटोमेटिक। अब भी हम बनाने वाले इस एपिसोड में एक नदर पोर्टल। तो नदर पोर्टल के लिए एक अच्छी जगह कौन सी होने वाली है मैं वो देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बना दूँ एक नदर पोर्टल, ठीक है। तो चलिए फिर अभी नदर पोर्टल बना लेते हैं और आज हम जाएंगे नदर की सवारी करने। तो ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन स्टोन्स कहाँ पे रखे हो मुझे देखना है, या तो फिर मुझे जाना पड़ेगा उस लावा में। वैसे एक्चुअली अपने यहाँ पे जो है विलेज में एक लावा का मतलब लावा का एक पॉन्ड है, तो मैं वहाँ से भी ऑब्सीडियन बना सकता हूँ। नदर पोर्टल होगा वो यहाँ पे ही बना लेता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक प्लेटफॉर्म अच्छे से बना लेते हैं। डायरेक्शन कौन सा रखूँ मैं, ऐसे ही रखता हूँ डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 6, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो नेदर पोर्टल के लिए एक्चुअली 1, 2 हमें क्या करना है, 4 ऑब्सीडियन मुझे लगता है और ऑब्सीडियन लगने वाला है हमें। 4 यहाँ पर लगा दिए, 1, 2 हो गया, 3, 4 ओके। लेकिन यार मुझे और ऑब्सीडियन लगेगा, खत्म। मुझे और ऑब्सीडियन लगने वाला है। ओके तो अरे यार लेकिन अब हम जाएंगे किसे ऊपर, हम ये ब्लॉक्स ओके 2, 4, 3 मैं तो पहली बार बिजली की कड़कड़ाहट सुन रहा हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से अपना बन चुका है नदर पोर्टल जो भी है, देख लेते हैं अभी ये काम करता है कि नहीं। फ्लिंट एंड स्टील किधर है अपना, फ्लिंट एंड स्टील अपन ने बहुत ही पहले बना के रखा हुआ था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपने पास ओके। ओह भाई साहब नदर पोर्टल बन गया है अपना एकदम खतरनाक। और फिर हमने जो है ये एपिसोड में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अपना खुद का एक नदर पोर्टल भी बन गया है। कहीं और जगह पे आग नहीं लगा दूं मैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं मैडी
बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिजली बहुत ही बेकार जगह पे गिरी है। तो मैं मैडी आप सबसे विदा लेता हूँ आज के एपिसोड में। आज हमने जो है अपना एक ऑटोमेटिक फार्म बना लिया है और हमें जो है एक माइन शाफ्ट भी मिली थी अपने माइनिंग में। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए तो माइनक्राफ्ट में ये है कि मैंने भाई सब नदर पोर्टल बना लिया। और अगले एपिसोड में हम जाएंगे नदर में, इस नदर अपडेट जो आया है 1.6 का, उसके मज़े लूटने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मैडी आप सबसे विदा लेता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ सजेशन और टिप्स अगर होंगे तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट में। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।